देश के लिए मेडल जीतने वाले पहलवानों के आंखों में इस वक्त आंसू हैं। पिछले 3 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं देश के पहलवान और इन रेसलर्स की मांग है कि उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ शोषण हुआ है। इसके अलावा पहलवानों का कहना है कि हर लड़की के साथ शोषण किया गया है, फेडरेशन के हर लड़की के साथ। पहलवानों का कहना है कि 12 साल से हम अत्याचार झेल रहे हैं, इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। एक बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन पहलवानों की याचिका सुनने के लिए मंजूरी दे दी है और अब शुक्रवार को इस याचिका पर आगे सुनवाई होगी। इस बीच जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़, उनकी तरफ से कहा गया है कि क्यों बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR नहीं दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस को इस बाबत नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन पहलवानों का कहना है कि हम इतने महीनों से झेल रहे हैं ये पूरा अत्याचार, ये पूरा टॉर्चर, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि कई पॉइंट्स बबीता फोगाट ने ये कहा कि इससे पहले 3 महीने पहले भी हम धरने पर बैठे थे, कमेटी बनाई गई, लेकिन कमेटी पूरी सभी पहलवानों की स्वीकृति पर नहीं बनाई गई, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कमेटी पर भी संतुष्ट नहीं है। इस मामले में राजनीति भी हो रही है। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समर्थन दे दिया पहलवानों का। इसके अलावा जो किसान हैं वो भी पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है।